स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को लेकर आया हूं, जिसमें आज हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ ड्राइंग, जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो एस्टिमेशन बनाते टाइम कितने तरह की ड्राइंग्स यूज होती हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों सिविल गुरुजी जो आप लोगों के लिए ऑफर लेकर आए थे 11 अक्टूबर 2020 का दिन, जिसमें आप लोगों के लास्ट मौका बचा हुआ है, मात्र 98 इंजीनियर्स एनरोल कर सकते हैं, इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं कि यदि आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में जाते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में एनरोल होते हैं, तो 36,000 रुपीज ना देकर आप 27,000 रुपीज फीस को सेव कर सकते हैं। साथ के साथ गुरुजी का खजाना कोर्स, जिसमें आप 52,000 रुपीज जो कोर्स का एक्चुअल फीस है आप सेव कर सकते हैं, वहां पे 39,000 रुपीज, इतना भारी डिस्काउंट केवल 98 इंजीनियर्स के लिए। करना क्या है, बस आपको एक कूपन कोड लगाना है गुरुजी, GURUJI, गुरुजी कूपन कोड लगाएंगे तो आप इस कोर्स में डायरेक्टली एनरोल हो जाएंगे। साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो का, जिसमें आपको कंप्लीट ऑफर के बारे में जानकारी मिलेगी, और साथ में आई सेक्शन में जाकर भी आप आई सेक्शन पर क्लिक करके वीडियो के बारे में कंप्लीटली, ऑफर के बारे में कंप्लीटली जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यदि आप चैनल पर फर्स्ट आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सिविल इंजीनियर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर प्रोवाइड हो जाए। दोस्तों सबसे पहले आप लोग समझिए कौन कौन सी ड्राइंग्स यूज होती है, तो टाइप्स ऑफ ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग, क्योंकि जब हम काम करेंगे तभी तो हमारे पास कौन सी ड्राइंग है, वर्किंग ड्राइंग। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे कोई काम करवाना है, मुझे सेंटर लाइन लेआउट डलवाना है, तो मुझे कौन सी ड्राइंग चाहिए, सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लेआउट प्लान ऑफ फुटिंग एंड कॉलम, तभी तो मैं सेंटर लाइन लेआउट करवा पाऊंगा, तो दैट इज कॉल्ड वर्किंग ड्रॉइंग। वर्किंग ड्रॉइंग को देखकर हम क्या कर पाते हैं, काम कराते हैं, सेम वर्किंग ड्रॉइंग को यूज करके हम करते हैं एस्टीमेशन। अब जो भी मैं काम करूंगा मुझे कहां से पता चलेगा, क्योंकि एस्टीमेशन तो तब कर रहा हूं मैं जब मेरा कुछ भी काम अभी साइट पर हुआ नहीं है। ऐसे टाइम पर यदि मैं अपनी ड्रॉइंग्स की बात करूंगा तो तब यूज होती है हमारी वर्किंग ड्रॉइंग। तो वर्किंग ड्रॉइंग में सबसे पहले आता है लेआउट प्लान ऑफ फुटिंग एंड कॉलम, सेकंड ड्रॉइंग आती है लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम भी बोल सकते हैं इसको। यदि ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम की जानकारी ही नहीं मिलेगी मुझको तो क्या मैं एस्टीमेशन कर पाऊंगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी बताइए मुझको, क्या ऐसे कंडीशन पर हम एस्टीमेशन कर सकते हैं यदि मेरे पास कोई ड्रॉइंग ही नहीं है। क्योंकि जब हम बिलिंग करेंगे तो बिलिंग करते टाइम साइट मेरे सामने एक्चुअल साइट है, लेकिन जब मुझे मेजरमेंट निकालनी है एस्टीमेशन में तो मेरे पास वर्किंग ड्रॉइंग होना बेहद जरूरी है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में आज कंप्लीटली आप लोगों को बताऊंगा कितने तरह की ड्रॉइंग्स होंगी, इसके बिना आप एस्टीमेशन नहीं कर पाएंगे। देन इसके बाद आता हूं ग्राउंड फ्लोर प्लान, मतलब जो हम प्लान की बात करते हैं तो सुपर टॉप व्यू आता है, तो टॉप व्यू आ गया किसके लिए बात कर रहे हैं, यहां पे सुपर स्ट्रक्चर की, कहां आपका बेडरूम है, कहां आपका हॉल है, कहां पे आपका टॉयलेट है, कहां पे आपका ड्राइंग रूम है, कहां पे आपकी बालकनी है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमें इस वाले ड्राइंग में मिलेगी, ग्राउंड फ्लोर प्लान। इसके अंदर और सारी ड्राइंग आती है, जैसे हम बात करें तो हमारे सेक्शन व्यू आते हैं, स्टेयरकेस के लिए एक अलग से ड्राइंग आएगी, वो सभी ग्राउंड फ्लोर प्लान के अंदर ही रहेगा। हमारा नेक्स्ट आता है लेआउट प्लान ऑफ फ्लोर बीम, कि जब हम बात करते हैं फ्लोर बीम स्लैब इनकी बात करते हैं तो कंप्लीटली उसकी जानकारी, कहां पर स्लैब आ रहा है, उसकी डिटेलिंग क्या, रेइंफोर्समेंट डिटेलिंग क्या, वो कंप्लीटली लेआउट प्लान ऑफ फ्लोर बीम में आएगा। अभी आपको कंप्लीट दिखाऊंगा एक एक पार्ट की, कैसा दिखते हैं ये ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग एक्चुअल में कैसी होती है, क्या क्या डिटेलिंग होती है उसके अंदर, कंप्लीटली बने रहिए वीडियो में। और साथ में दोस्तों यहां पर फ्लोरिंग डिटेल कि किस तरह, मान लीजिए बेडरूम है तो बेडरूम में मुझे टाइल्स लगानी है, मार्बल लगाना है, ग्रेनाइट लगाना है, वो भी कितने स्पेसिफिकेशन का, क्या उसका साइज होगा, उसके बारे में कंप्लीटली फ्लोरिंग डिटेल में बात करेंगे आगे। और आगे आप लोग देखेंगे कि ड्राइंग कैसा दिखता है, उसके बाद ड्रिलिंग कहां पे होती है। नेक्स्ट यहां पर डोर डिटेल की, डोर की कंप्लीट एलिवेशन की डिटेल, और लास्ट में विंडो ग्रिल, इन सभी ड्राइंग्स के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो इस वीडियो को। साथ के साथ दोस्तों आप लोगों के लिए सिविल गुरुजी ने एक चैनल बनाया है, एक नया चैनल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। ऐसे जितने हमारे साथ जुड़े हुए, हमारी इस 1,00,000 की जो फैमिली है उसमें जितने ऐसे इंजीनियर हैं जो परसुइंग हैं या अपने सब्जेक्ट्स के रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं, जो हम अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो हम अपने बीटेक डिप्लोमा बी एमटेक करते टाइम पढ़ते हैं, यदि आप उन सब्जेक्ट्स के बारे में और डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं एज पर प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ, तो आप इस चैनल में जुड़िए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियोस का, आप जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पर लेआउट प्लान ऑफ फुटिंग एंड कॉलम के बारे में। तो आप लोगों को एक ड्राइंग दिख रही है यहाँ पर अलग अलग ये फाउंडेशन, यहाँ पर पार्ट हम देख पा रहे हैं कि एक एक फुटिंग दी गई है कम्प्लीटली, उसकी डिटेलिंग है यहाँ पर कि हमारे पास NGL से लेकर हमें कितने डेप्थ तक हमें क्या करना है, एक्सकवेट करना है। अब एक्सकवेशन करने के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, वो क्राइटेरिया भी हम आगे बात करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी दी गई है, उस वीडियो में कंप्लीटली क्राइटेरियाज मैंने बताए हुए हैं कि किस तरह से हम इसका एक्सकवेशन करते हैं, एक्सकवेशन में कितना उसका रेट मिलता है, लेबर रेट क्या होता है, वो कंप्लीटली मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दी गई है, आप जरूर देखिएगा उसमें।
यहां पर फुटिंग के साइजेस दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं दो तरह की फुटिंग है, F1 F2 इनके नाम दे दिए, अंदर F1 F2 भी लिखा हुआ है, 1800x1800 साइज लिया है, 1500x1500 साइज लिया है, D1 D2 जो कि डेप्थ दिया है, रेक्टेंगल पार्ट का डेप्थ और ट्रेपेजॉइडल पार्ट का डेप्थ, दो जो भी यहां पर हमें स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं उसके सारे साइजेस हमें नीचे यहां पर टेबल में गिवन है। सेम इस तरह से कॉलम के साइज 250x400 के दो कॉलम है, C1 और C2, ये सभी इस प्लान के अंदर आ रहे हैं। यहां पर ये नंबरिंग की गई है, इस नंबरिंग को एग्जैक्ट हम यूज करके करते हैं, अपने साइट पर यूज करते हैं। साइट पर हम जाकर क्या करते हैं, यहां पर सेंट्रल लाइन लेआउट डालते हैं, सेंट्रल लाइन लेआउट समय एक्चुअल फुटिंग का साइज मिल जाता है, एक्चुअल फुटिंग का एक्सकवेशन की एक्सकवेशन कहां होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं लेबर को कहीं भी लगा के एक्सकवेट करा दूं, ऐसा तो होगा नहीं, एक प्रॉपर वे में एक प्रॉपर जगह में हम क्या कराते हैं एक्सकवेशन कराते हैं, उसकी डिटेलिंग हमें यहां पर गिवन मिलती है। इसके बाद बात करूं तो इसके बाद आती है नेक्स्ट ड्रॉइंग, जिसकी बात करूं तो लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड बीम। ग्राउंड बीम यहां पर ड्राइंग मुझे कुछ इस तरह से स्पेसिफाई हुई, जैसा कि अभी आपने देखा कि यहां पर साइजेस दिए हुए थे, फिर से ले जाता हूं आपको पीछे, तो यहां पे कॉलम्स दिए गए हैं, इस कॉलम से दूसरे कॉलम में जोड़ने के लिए, जैसे कि आप देखेंगे ये कॉलम है, इस कॉलम से दूसरे कॉलम में जोड़ने के लिए यहां पर एक बीम प्रोवाइड कर दी हमने, देखें यहां पर एक बीम, ये यहां पर बीम जो प्रोवाइड की गई है, ये 2500 mm की जो बीम प्रोवाइड करी, मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम को जोड़ने के लिए। देखिए वही ड्रॉइंग जो पहले ड्रॉइंग थी उसके आगे का पार्ट है ये, कि हम फाउंडेशन कर देंगे तो उसके बाद जाएंगे सुपर स्ट्रक्चर में, हम ग्राउंड बीम क्या करेंगे यहां पर प्रोवाइड करेंगे। इस ग्राउंड बीम का क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन यदि मैं बात करूं तो यहां पर 250x300, जिसके अंदर यहां पर ऊपर 5 बार है 12 mm डाया, कि 3+2 का मतलब है कि 3 बार ऊपर प्रोवाइड किया, 2 बार थोड़ा सा नीचे प्रोवाइड करिए, इसकी न्यूट्रल एक्सिस को न्यूट्रल मतलब मिड में ही रखने के लिए, अगर न्यूट्रल एक्सिस यहां से डिस्प्लेस होती है तो हमारी बीम यहां पर ओवर रेनफोर्स कहलाएगी। ओवर रेनफोर्समेंट बीम इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि किसी भी हम बीम का जब डिजाइन करते हैं तो सबसे ज्यादा कोलैप्सिबल यदि चांसेस होते हैं तो ओवर रेनफोर्समेंट होते हैं, इसलिए बीम को हमें अंडर रेनफोर्समेंट रखने के लिए न्यूट्रल एक्सिस को कभी भी चेंज नहीं करना। अगर ये मैं सपोज करो ये दोनों बार को यहां पर नीचे प्लेस ना करके उसके साथ ही ऊपर प्लेस करता, एक तो मेरी बीम ओवर रेनफोर्समेंट हो जाती है, और दूसरा यहां पर 2 बार के बीच में जो एक मिनिमम डिस्टेंस होता है 40 mm का, वो भी यहां पर फॉलो नहीं हो पाता। इसका यही कारण था कि मैंने यहां पर बार को कुछ इस तरह से अरेंज किया। इसके बाद देखेंगे आप 3 बार नीचे प्रोवाइड की गई है 12 mm डाया की, इसका हैश मतलब होता है डाया, 8 mm का यहां पे 8 mm का टू लेग डिस्टर्ब, टू लेग मतलब जिसमें 2 हुक होते हैं, यहां पर 2 लेग डिस्टर्ब हमें प्रोवाइड किया 8 mm डाया का, 130 सेंटर टू सेंटर यहां पे स्पेसिंग दी गई है। ये कंप्लीटली हमें डिटेलिंग बताती है ड्राइंग, जब हम साइट पर जाएंगे तो हमें कुछ ऐसी ही ड्राइंग मिलेगी, इस ड्राइंग को डिटेल में पढ़ने के बाद जाकर हम साइट पर अपने काम को एग्जीक्यूट कराएंगे। हमें अपने लेबर को काम बताना, अपने कॉन्ट्रैक्टर को काम बताना, तो कैसे बताएंगे जब तक हमें ये वाली ड्राइंग्स रीड आउट करनी नहीं आएगी, हम आगे काम को नहीं करवा पाएंगे किसी से भी, इसलिए ड्राइंग को बेहद जरूरी है। यहां पर नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर नेक्स्ट ड्राइंग की ओर, जो कि हमारी आती है लेआउट प्लान ऑफ फ्लोर बीम। लेआउट प्लान ऑफ फ्लोर बीम की यदि हम बात करें तो आर्किटेक्चरल प्लान, सबसे पहले जो प्लान आता है वो आता है आर्किटेक्चर प्लान, क्योंकि आर्किटेक्चर हमको ये बताएगा कि कहां पे हमारे बेडरूम है, कहां हमारे किचन है, कहां हमारे हॉल है, तो इसके बाद जाकर हम बनाते हैं सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग, ग्राउंड बीम ड्राइंग इसके बाद बनती है। लेकिन यहां पर जब हम बात करेंगे तो सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग पहले आएगी, क्योंकि सबसे इनिशियल काम है वो। सेकंड वर्क आया ग्राउंड बीम प्लान, देन थर्ड वर्क आता है हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान। यहां पर ग्राउंड फ्लोर प्लान में हमें वॉल की डायमेंशन मिलती है, कि यहां पर आप देखेंगे कि आउटर बेल 200 mm थिक दिया हुआ है, कि जितनी भी आउटर वॉल होंगी ये 200 mm थिक रहेंगी, जितनी भी इनर वॉल रहेंगी वो 100 mm थिक की रहेंगी, और मोर्टार का रेशियो आपको लेना है 1:4 का, जिसमें एक पार्ट रहेगा सीमेंट का और 4 पार्ट आपके सैंड के, तो 1:4 का आपको यहां पर रेशियो लेना है। इसके बाद यहां पे कुछ और भी डिटेलिंग आपको दी गई है, जैसा कि आप लोग देखेंगे यहां पर आपको डोर की डिटेलिंग दी गई है, जिसकी कितने साइज के डोर यहां पर आप लगा सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को यहां पर बताया गया है। तो दोस्तों यहां पर ये प्लान हुआ ग्राउंड फ्लोर प्लान। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो यहां पर आता है स्लैब बीम ड्राइंग, जिसको हम फ्लोर बीम भी बोलते हैं यहां पर, तो कुछ इस तरह से दिखती है हमारी स्लैब बीम ड्राइंग। देखिए यहां पर और ग्राउंड बीम की ड्राइंग में एक डिफरेंस समझिए, कि यहां पर एक बीम एक्स्ट्रा आ गई है, इसलिए मैं कहता हूं कि जितने मेरे ग्राउंड बीम होंगे उतने ही मेरे फ्लोर बीम होंगे, लेकिन ड्राइंग को तब भी एक बार जरूर चेक करना है हमको। ड्राइंग चेक नहीं करा तो ऐसी बीम हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ड्राइंग को वर्किंग ड्राइंग को पढ़ना बेहद जरूरी है हमारे लिए, कि इसमें एक बीम फालतू आई यहां से तो हमें पता तो रहे कि एक बीम कौन सी एक्स्ट्रा आई है, हो सकता है कोई बीम यहां से गायब हो जाती है, तो इसलिए हमें पूरी जानकारी यहां पे होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग देखेंगे 250x350 का यहां पे साइज दिया गया, 250x350 किसका साइज है, स्लैब बीम का साइज हमको दिया हुआ है
250x350 जबकि ग्राउंड बीम पे साइज दिया होता 250x300। तो ये डिफरेंस समझना है मुझको फ्लोर बीम और ग्राउंड बीम के अंदर की, यहां पर डिफरेंस है क्योंकि स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग चेंज हो गई है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ड्रॉइंग की ओर जो कि आता है फ्लोरिंग डिटेल। तो देखेंगे आप ड्रॉइंग बिल्कुल सुपर स्ट्रक्चर की तरह लग रही है जैसा ग्राउंड फ्लोर प्लान दिखाया था सेम ऐसे, लेकिन यहां पर कुछ चेंजेस हैं जो कि चेंजेस यहां पर आपको दिख रहे हैं। ये टेबल जो स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि यहां पर लिखा है कि फ्रंट एंड रियर बालकनी, ये फ्रंट बालकनी है रियर बालकनी अगर प्रोवाइड किया है तो आपको यहां पर 600mm x600mm का कोटा स्टोन कटवा के लगवाना है अपने मैसन से। यहां पर जो टाइल का मैसन आएगा हमारा वो यहां पर 600x600 का यहां पर कोटा स्टोन लगाएगा। यदि आप मास्टर बेडरूम की बात करते हैं या बेडरूम की बात करते हैं हॉल की बात करते हैं तो लिखा हुआ है 600mm x600mm का विट्रीफाइड टाइल। साथ में यहां पर कंपनी भी लिखेगी कि सहारा कंपनी का ही आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा विट्रीफाइड टाइल। ये कंप्लीट डिटेलिंग कि कहां पर क्या चीज आएंगी उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी मुझे फ्लोरिंग प्लान में, जिसमें मुझे कंप्लीटली ये बताया होता है कि कहां पर मुझको कौन सा मटेरियल प्रोवाइड करना है, कितने साइज का प्रोवाइड करना है, कौन सी कंपनी का प्रोवाइड करना है, वो कंप्लीटली डिटेल रहती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्लान की ओर। तो यह नेक्स्ट प्लान आता है डिटेल फॉर डोर। अब डोर के एलिवेशन के बारे में हम समझेंगे। यहां पर डोर का एलिवेशन जैसा कि यहां पर डोर दिए गए हैं, डोर का फ्रंट व्यू और डोर का बैक व्यू और डोर का सेक्शनल व्यू यहां पर दिए गए हैं। अब यहां पर क्या निकालें हम, फायदा क्या होगा इस ड्राइंग का, ये ड्राइंग कंप्लीटली हमको ये बताएगा कि कौन से टाइप का डोर है, कि पैनल डोर है, फ्लश डोर है या पीवीसी डोर है। सबसे पहला जानकारी हमें ये प्रोवाइड कर दी। दूसरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि इसका डिजाइन कैसा बनाना है, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहेगा, जैसे इसमें डिजाइन बनाया ये, क्योंकि पैनल डोर में हम क्या करते हैं डिजाइन लाते हैं, जबकि फ्लश डोर तो एकदम क्लीन भी मिल जाता है हमें। फ्लश डोर मतलब जो मशीन मेड डोर है, और पीवीसी डोर कुछ इस टाइप का लाना है, इसका भी डिजाइन पैटर्न यहां पर दिया हुआ है। साथ के साथ यहां पर जो डोर फ्रेम लगाया उसका भी साइज लिखा होगा कि कितना साइज हमको प्लान करना है। साथ के साथ डोर का थिकनेस जो कि गिवन रहता है 30mm 35mm या 40mm, तीन साइज में स्पेसिफाइड रहता है, वो साइज भी हमें इन ड्राइंग्स के अंदर डिटेलिंग में मिलते हैं। जब हमारा कारपेंटर आएगा साइट पे तो कौन सी ड्राइंग यूज करनी है हमको, डिटेल्स फॉर डोर एलिवेशन ड्राइंग हमको यूज करनी है। नेक्स्ट ड्राइंग की बात करूं तो यहां पर आती है डोर फॉर विंडो ग्रिल। देखिए विंडो ग्रिल की अगर मैं बात करूं तो विंडो ग्रिल के अलग अलग शेप होती हैं, अलग अलग डिजाइन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिजाइन मिल गया मुझे जिसमें यहां पर लिखा 10mm का माइल्ड स्टील स्क्वायर बार ओवरलैप एट स्क्वायर बार रेक्टेंगुलर ग्रिड। तो ग्रिड बना रहा है यहां पर ये, जो एकदम सिंपल पैटर्न होता है यहां पर, इसका हमें एस्टिमेट करना होता है, इसकी ड्राइंग्स को हमें रीड आउट करना पड़ता है। जब भी हम साइट पर जाते हैं तो ऐसी ड्राइंग जरूर रीड आउट करने को मिलती है हमें, तभी हम काम करा सकते हैं। तो एक बात समझे यहां से कि ड्राइंग्स तो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चरल होंगी लेकिन उसके बाद हमें वर्किंग ड्राइंग चाहिए साइट पर काम करवाते हुए। तो वर्किंग ड्राइंग से ही हम बनाते हैं क्या, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब जो भी हम कॉस्ट निकालते हैं, क्वांटिटीज निकालते हैं, उन सभी के अनुमान निकालने के लिए मेरे पास साइट हो ना हो लेकिन मेरे पास ड्राइंग जरूर होनी चाहिए। ड्राइंग यदि होंगी तो मैं अपना एस्टिमेशन, मैं अपना बजट कंप्लीटली बिल ऑफ क्वांटिटीज के साथ निकाल सकता हूं, लेकिन उससे पहले मेरे पास सभी तरह के ड्राइंग जितना मैंने आपको डिटेल में बताया ये सभी ड्राइंग्स होनी चाहिए मेरे पास। तो दोस्तों ऐसे ही सिविल गुरुजी आप लोगों के लिए कंप्लीटली वीडियोस लाते रहेंगे कि कैसे आप लोगों को अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाना है, अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, क्योंकि करना है खास। तो चलो मेरे साथ सिविल की बात केवल गुरुजी के साथ। दोस्तों बने रहिए सिविल गुरुजी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।